हेलो जी, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना वैद नेम पाल सिंह। अज आपां गलबात करांगे ते एक थानू नायाब नुस्खा दसांगे जिन्ना जवान लड़कियां दे बीबियां दे चेहरे ते अनचाहे वाल आ जांदे हन। शरीर दे होर हिस्सों ते भी अनचाहे वाल आउंदे हन, पर इन्ना कि वह हिस्से ढके जाते हैं तो चेहरा नज़र आता रहा है, जिहड़ा कि बच्चों के विच ते औरतों के विच हीन भावना आ जाती है। तो अज आपां तुहानूं दसांगे इहदी जिहड़ी लगाउण वाला वह बटन है, पेस्ट है, वह आपां किवें तैयार करना है ते किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां उहदे विच पैंदियां हन, ते उस तों बाद आपां खाण दा की परहेज़ रखना है कि अपने दोबारा ये जिहड़े वाल है चेहरे ते ना आउण। जिथे जिथे तुसी इहे बटन दा इस्तेमाल करोगे उथे उथे इहे वाल दोबारा नहीं आउणगे। जे तुसी पूरी सावधानी इस्तेमाल करोगे वरतोंगे तो समान आपां समगरी की लैनी है पहले तुहानूं इह दस्सदे हां। कणक दा आटा, बेसन, कच्चा दुध, नींबू दा रस ते वर्जन तेल। चाहे तो वर्जन ते तुसीं नारियल दा लै लो ते चाहे बादाम दा लै लो। हुण ये लैना किन्ना किन्ना है। कणक दा आटा एक चम्मच, बेसन अद्धा चम्मच, कच्चा दुध 3 to 4 चम्मच, नींबू दा रस 1 चम्मच। इन्हां सारिआं नूं आपस विच मिला लेना है ते पेस्ट इस तरह बनाउणा है, ना तो बहुता गाढ़ा होवे ते ना बहुत ज़्यादा पतला होवे, थोड़ा जिहा थिक ही रखना है। ते जिथे जिथे तुहाडे वाल बीबियां दे आए हन, बुल्लां ते बुल्लां तो थल्ले ठोडी ते मत्थे ते कन्नां कोले जां गल्लां कोले, इन्हां थावां ते तुसी इस पेस्ट नूं बना के लगाओ। पेस्ट करीब तुसी 10 to 15 मिनट तक लगा के रखना है। तो जदों इस पेस्ट दे विच हल्कियां हल्कियां दराड़ां जां त्रेड़ां पैणियां शुरू हो जाण, ना तो इस पेस्ट नूं तुसी बहुता सुकाउणा है ते ना ही बहुता गिला रखना है। जदों इहदे विच दरारां पै जाण उदों तुसी पेस्ट नूं उपर तों थल्ले, जिवें कि इह वालां दी शेप है ते इह वालां दी शेप दे आपोजिट इस तरह करके रगड़ के हल्के हल्के हत्थां नाल तुसी इस पेस्ट नूं उतारना है, बहुत कस के नहीं, हौली हौली। इस पेस्ट नूं जदों तुसी अपने चेहरे तो उतार लिया, उस तों बाद तुसी अपने चेहरे नूं कोसे पानी दे नाल धोना है। कोसे पानी नूं नाल धोण तो बाद चंगी तरह चेहरे नूं साफ करके पूंझ के ते जिहड़ा वर्जन तेल है, अणकसीदिया होया तेल, चाहे नारियल दा लै लो ते चाहे बादाम दा, इस तेल दी तुसी चेहरे ते मालिश करनी आ हेठां तों उपर वाले पासे नूं जां गल्लां ते गोल गोल इस तरह करके गोल गोल करनी है। तो ओह हेठां तों उपर वाले पासे नूं करनी है, इस तरह मालिश करनी है। इस तरह मालिश करन दे नाल की होवेगा कि जिहड़े वाल ओह बटन दे नाल उतर गए हन, झड़ गए हन जड़ तों, उन्हां दे विच जिहड़ी जगह बची है जड़ां दे विच, उन्हां दे विच इह अणकसीदिया होया तेल जिहड़ा वर्जन तेल है इह पै जाएगा, चला जाएगा, उन्हां नूं कवर कर लेगा ते दोबारा जिहड़े वाल है नहीं उगणगे। इह जिहड़ा प्रोसीजर है तुसीं दिन विच दी इक वारी लगाउणा है ते हफ्ते दे विच 3 वारी, करीब इह तुसीं 2 to 3 हफ्ते लगातार इस नूं वरतना है। करीब 15 to 20 दिन तक यह तुसी लगाउणा है ते इस दी तुसी वरतों करो। जे किसी बीबी नूं छोटी बच्ची नूं या भैन नूं किसी नूं समस्या है तां तुसी इस तेल नूं लगा के, इस ओबटन नूं लगा के जिहड़े तुहाडे चेहरे ते अणचाहे वाल हन इन्हां तों सदा सदा लई छुटकारा पा सकदे हो। इह जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सिया है मैथड ते समगरी दसी है, ये सिर्फ एक टाइम एक समय की है, एक समय तुसीं इन्ना मिक्सचर लैके पेस्ट बना के ते उस चेहरे ते लगाउणा है।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖਟਿਆਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ ਓਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਉਬਟਣ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਰਜਨ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।